नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करने शुरू करूं, मैं आपसे एक मिनट एक बात करना चाहूंगा। वो ये है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो मैंने आपको पेपर वन के बारे में बताया और उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जनरली मैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन मैंने एक बार कोशिश की कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा पेपर वन का एक एक्सपीरियंस है, क्यों ना लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने पर्सनली उन सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। और ये आप ही के कारण है कि आज मैं दूसरा वीडियो जिसमें मैं अपना तरीका, अपना नॉलेज, मेरे जितने भी स्टूडेंट जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो शायद मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना बता देता हूं आपको। मैं 8 times नेट क्वालिफाइड हूं, मैं डबल JRF हूं, मैं टॉप बेस्ट सेलिंग बुक पियर्सन की जो इंग्लिश लिटरेचर की किताब है जो इस वक्त नंबर 1 सेलिंग पे, मैं उसका ऑथर हूं और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाने का अनुभव है। ये आप सबका प्यार है जो मैं अपने इतने सारे नेट, इतने सारे स्टेट एग्जाम जो मैंने 17 SET क्वालिफाई किए, उन सबके पेपर वन का कलेक्टिव एक्सपीरियंस लेके और मेरा अपना एक सीक्रेट तरीका जो मैं पेपर वन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं मार्केट गाइड उसको हाथ नहीं लगाता, मैं जो नॉर्मल एजुकेटर्स इधर उधर पढ़ा रहे हैं। देखिए, पेपर वन किसी का सब्जेक्ट नहीं है, ना मेरा सब्जेक्ट है, ना किसी और का सब्जेक्ट है, बल्कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस वक्त पेपर वन पढ़ा रहे हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि उनका मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा ठीक होता है तो वो ओवरऑल चीजें पढ़ाते हैं। देखा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च किसी के सब्जेक्ट में नहीं है, तो टेक्निकली हर टीचर का अपना तरीका है, हर लर्नर का अपना तरीका है, हर एक ऐसे एस्पायरेंट जिसने नेट या JRF करना है या कर लिया है, उसका अपना सोर्स है पढ़ने का। तो इस वक्त मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल नेट क्वालिफाई करने में आसानी हुई, मैंने मल्टीपल टाइम JRF किया। जी हाँ दोस्तों, मेरा 2 बार JRF है, तो आपके साथ मैं अपने तरीके शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, टॉप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हायर एजुकेशन। दोस्तों, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं तो सिर्फ 30-40 क्लासेस में सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर ले सकता हूं, क्योंकि हायर एजुकेशन इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आपको एकेडमिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, चाहे आज मैं हूं, चाहे आज आप हो, हम जब क्लास के अंदर जाते हैं तो हमारी डिग्री नहीं बोलती, हमारा नॉलेज बोलता है। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे आपका PhD काउंसलिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे बच्चे आपका करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। अगर आपको एकेडमिक्स का बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आपको एकेडमिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप भविष्य में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में थे एज एन एस्पिरेंट, पढ़ते समय मैंने हायर एजुकेशन के अपने नोट्स तैयार किए, अपने तरीके से पढ़ना शुरू किया, मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करने वाला हूं। So, दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है कि जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज जो आती है वो है कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ऑफ 1964। जी हाँ दोस्तों, कोठारी कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो फर्स्ट कमीशन है जिसने एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया, स्टडी किया। 9,000+ टीचर्स, स्कॉलर्स, PhD पीपल, एजुकेटर्स, इन सब का इंटरव्यू किया अबाउट द एजुकेशन स्टैंडर्ड इन इंडिया। 2,400 पेजेस का मेमोरेंडम बनाया गया और लगभग 287 पेज की रिपोर्ट जो है उस समय के करंट जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर MC चावला, उनको सबमिट किया गया। कोठारी कमीशन, सिर्फ मैं 3 लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ ताकि वो खुद भी आप पढ़ सकें, या फिर अगर मुझे आपका प्यार मिलता रहे, आप लोग सब्सक्राइबिंग के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, खास करके कमेंट्स के थ्रू, सब्सक्राइबिंग का मुझे कोई लालच नहीं है, कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि हम बात करते हैं, आप मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा, तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो मैं आपको हायर एजुकेशन के स्पेशल वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा जो मैंने अपने लिए पढ़े थे। तो नंबर 1 जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था कोठारी कमीशन। आप चलते हैं नंबर 2। नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? देखा जाए तो सवाल बहुत बेसिक सा है। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप अपने घर में नेट JRF PhD के स्टूडेंट हैं, आपके छोटे भाई बहन सोचते होंगे कि भैया या दीदी इस वक्त सबसे बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में इस वक्त कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं,
कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और यस कितनी फेक यूनिवर्सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी। तो ये आपका पॉइंट नंबर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके अंदर कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो मैंने आपके लिए नोट की है अपने नोट्स के अंदर से, और मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इसलिए डाली है ताकि आप लोग भी नोट्स बना सकें। यहाँ पे एक चीज आप सबसे पहले लिखिएगा कि यूजीसी एक्ट 1956 जो है उसके अकॉर्डिंग जो भारत के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होनी शुरू हुई, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस वक्त हैं 1 जून 2020 के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू 1st June 2020 सर्वे 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोस्तों जो गवर्न की जाती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आसान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरीके से 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूजीसी एक्ट अंडर सेक्शन 3, 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि गवर्न बाय कंट्रोल बाय द स्टेट। लेकिन अब एक सवाल आता है कि व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी। अ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसके पास एक अपना कैंपस, अपना ग्राउंड, अपनी लाइब्रेरी, अपना एक पूरा एरिया, जो उनका एकेडमिक्स का स्टैंडर्ड है वो पूरा कंप्लीट होता है और उनको फर्दर यूनिवर्सिटीज या फ्यूचर यूनिवर्सिटीज में कंसीडर किया जाता है। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट इस वक्त डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो 123 है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2017, और फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। अगर आपसे कोई टफ सवाल करेगा पेपर में तो पूछेगा कि भारत में जो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन 1958। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अराउंड 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक लिमिटेशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड कैंपस यूनिवर्सिटी होती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्लोज्ड कैंपस यूनिवर्सिटी, जिनका कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होता है। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी होंगी जिनके एफिलिएशन में कॉलेजेस होते हैं। मैं खुद एक गांव की कॉलेज से पढ़ के बाहर निकला हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूं, तो हमें बताया जाता था कि हम इस यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। लेकिन जैसे मेरे कॉलेज का नाम था स्वामी केशवानंद महाविद्यालय, पर हमें बताया जाता था कि आप बीकानेर यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनके पास एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को क्लोज्ड कैंपस यूनिवर्सिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंडर में एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होते हैं। अब इसके बाद आती है यूजीसी की एक स्पेशल लिस्ट, कितनी फेक यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो यूजीसी ने एक वार्निंग या एक डिक्लेरेशन दिया है, 24 फेक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। दोस्तों 24 फेक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन जब भी एमफिल करने जाओ, जब भी पीएचडी करने जाओ, और अगर आप एक छोटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो उस 24 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में चेक कर लेना। मेरा चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने वहां पे बहुत लोगों को देखा है जो जल्दबाजी में, जल्दी पीएचडी करने के चक्कर में ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज को पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं और उनकी पीएचडी भी इनवैलिड हो जाती है। सिर्फ आसान सी चीज़ है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, फेक यूनिवर्सिटीज को सर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट में आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है तो वहां पे मत जाइए। दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे एक प्राउड नेशन के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल 875 यूनिवर्सिटीज हैं, 875 यूनिवर्सिटीज हैं। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किस राज्य में है? क्या आपको पता है सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज किस राज्य में है? क्या आपको पता है सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज किस राज्य में है? दोस्तों देखने में सवाल बड़े आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब अंडर प्रेशर आप एग्जाम देंगे और ये सवाल आएगा, और अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, या आपको आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने ये चीज नहीं पढ़ाई है, तो यही चीजें आपको एग्जाम में ट्रबल कर देंगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं आंसर देता हूं। 875 यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर 76 यूनिवर्सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो राजस्थान के ही अंदर अगर सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को काउंट किया जाए तो 46 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अकेले राजस्थान में ही हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि राजस्थान में ना केवल सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी सबसे ज्यादा वहां पे ही हैं।
मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी बन जाएगी, 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो तमिलनाडु में है, 29 स्टेट यूनिवर्सिटीज, सबसे ज्यादा 29 स्टेट यूनिवर्सिटीज यूपी के अंदर हैं। यूपी का नो डाउट एरिया भी काफी बड़ा है, क्राउड भी काफी बड़ा है, और यूपी में ही बीएचयू इलाहाबाद जैसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लखनऊ अलीगढ़ जैसी। सो ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल सी चीज है कि याद रखना, सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज 29 यूपी में है, सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 6 वो भी यूपी में है। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, चूंकि अभी रिसेंटली मैं गोवा घूम के आया हूं तो मुझे लगा गोवा जरूर मेंशन करना चाहिए। गोवा में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी जरूर है गोवा यूनिवर्सिटी, पर गोवा में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है, चंडीगढ़ में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है चंडीगढ़ में, वो कैंपस है, वो पंजाब का हरियाणा का, चंडीगढ़ एक अलग टेरिटरी है, वो है जरूर वहां पर वो चंडीगढ़ की एज ए टेरिटरी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। सो दोस्तों ये तो थी हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में सारी बात की। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या यूनिवर्सिटीज के साथ साथ अदर इंस्टीट्यूशंस ही उतने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इनको नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और ऑब्वियसली अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप JRF बनना चाहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल भी दूसरों से अलग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की। नो डाउट दोस्तों बहुत सारी लिस्ट है, मैं आपको सारी लिस्ट शायद ना दे पाऊं, लेकिन हाँ आप ऐसे जितने भी लोग मुझसे लिस्ट मांगेंगे आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा हमारे दिए हुए नंबर्स पे, मैं आपके लिए वो लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। आपके लिए सबसे पहले जो लिस्ट है जो सबसे ज्यादा पेपर वन में पूछी भी गई है वो ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला कहां पे है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला का मेरा एक अपना बहुत खूबसूरत मेमोरी है, मैं जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि ये मेमोरी आपके लिए इंस्पायरिंग भी है। मेरी एक स्टूडेंट थी इंग्लिश लिटरेचर की और अर्चना जी नाम था उनका, उन्होंने JRF किया, और जब मैं शिमला घूमने गया था तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से देखा कि विनीत सर इस वक्त शिमला में है। उन्होंने मुझसे पूछा सर आप कहाँ रुके हैं, आप कैसे हैं। मैंने बताया उनको कि हम न्यू ईयर पे आए हैं, शिमला में होटल्स नहीं मिल रही हैं और हम बहुत परेशान हैं। आप जानते हैं उनके पापा रजिस्ट्रार थे एडवांस स्टडी ऑफ यू नो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन शिमला। उन्होंने हमें प्रोफेसर्स के कॉटेजेस अवेलेबल करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए इमोशनल था कि मैंने एक बच्चे का दिल जीत लिया, उस बच्चे का JRF हुआ, उसका भरोसा जीता, और उनके पापा मुझसे मिलने आए, बहुत हाथ जोड़े उन्होंने, मुझे बहुत इस तरीके से सम्मान दिया। मैं उनसे कह रहा था कि मैं इतना सम्मान के लायक नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ टीचर, लेकिन उस दिन मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं ना केवल बच्चों के सपने पूरे कर रहा हूँ बल्कि अपना समाज बना रहा हूँ। अभी जो लोग मुझे रिसेंटली लगातार देख रहे हैं उनको अभी भी पता होगा कि गोवा में भी एक स्टूडेंट ने मुझे अपने घर पर बुला के कढ़ी चावल खिलाया। दोस्तों स्टूडेंट से मिलना, उनके पेरेंट्स से मिलना हमें बहुत इंस्पायर करता है, और नो डाउट हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चे के करियर में कोई हेल्प हो जाए। तो ये एक छोटी सी मेमोरी थी। अब हम बात करते हैं सेकंड इंस्टीट्यूट की। सो दोस्तों जो सेकंड यूनिवर्सिटी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके आपके हमने फोटो भी आपका लगा दिया है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। पेपर वन के क्वेश्चन में आ चुका है कि भारत की इकलौती ट्राइबल यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी मतलब आदिवासी यूनिवर्सिटी, जनजातीय यूनिवर्सिटी, ये अमरकंटक के अंदर है। फिर आपको जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है वो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। हम इन सब की फोटोज आपके लिस्ट से लगा रहे हैं ताकि आपको एक बेटर मेमोरी हो जाए। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, वहाँ के एक प्रोफेसर साहब, उनकी गुड़िया भी मेरी क्लास में है और वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मेरी पेंडिंग लिस्ट में है कि मैं उनसे मिलूं। चौथा जो आपको एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इग्नोर करते हैं, ये है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली के अंदर बिनौला विलेज में है, यानी कि दिल्ली गुड़गांव यानी कि हरियाणा में है, पर चूंकि हम गुड़गांव को कई बार दिल्ली में ही बोलते हैं, बिनौला विलेज गुड़गांव इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कई बार इसे ऐसे भी कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो हायर स्टडीज की जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आज के समय में चल रहा है वो ये है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये देहरादून में है।
इसी तरीके से बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नाम हम मेंशन कर सकते हैं, और ऑब्वियसली मेरी अपनी जो लिस्ट है पढ़ने की उसमें 30 प्लस नेम्स हैं, क्योंकि दोस्तों जब मैं पढ़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, मेरे पास फेल होने का ऑप्शन नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी, दिस इज द फाइट, ये आपकी लड़ाई है और आपको ही लड़नी है, कोई मदद नहीं आने वाली है, कोई आप पे दया नहीं करने वाला और हमें दया चाहिए नहीं। तो मैंने हर वो चीज पढ़ी जो पेपर में आ सकती है, और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी दोस्तों, मैं इतना पढ़ूंगा कि पेपर सेटर को भी नहीं समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछूं। और ये जो स्पिरिट है ये शायद आज मेरे इतना काम आ रही है कि मैं ना केवल डबल GRF हूं, 8-time नेट क्वालिफाइड हूं, 17 स्टेट्स का सेट क्वालिफाइड। दोस्तों ये आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं गांव के स्कूल से निकला हूं, गांव की कॉलेज से निकला हूं और मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप जो इस कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड होते हुए वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी बातों को अगर दिल और दिमाग में लगाएंगे तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट आप हैं, आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऐसे एजुकेशनल ग्रुप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर मैं लिस्ट बना रहा हूं, इसका एक रीजन भी है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं स्क्रीन पर लिस्ट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी स्पीड के साथ साथ नहीं नोट कर पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको नोट कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए इसको। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों CBSE, ICSE, ओपन स्कूल्स, इसके साथ साथ NCT, AIEEE एंड सम अदर इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों सबसे पहले ये याद रखिएगा कि देर आर 23 IITs इन इंडिया अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि IIT दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ है, जाना चाहिए, तो ये वहाँ पे लगभग 23 IITs हैं इंडिया के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल है CBSE स्कूल्स का फुल फॉर्म और कितने स्कूल्स हैं भारत में। आप एक सेकंड के लिए सोचिएगा, क्या आपको इस वक्त पता है भारत में कितने CBSE स्कूल हैं? तो दोस्तों यहां पे हैं, आपको देखना है 21,271 CBSE स्कूल इंडिया में हैं, जिसमें से 228 स्कूल अलग अलग 25 कंट्रीज में फैले हुए हैं। और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद आता है ICSE बोर्ड। आपने देखा होगा कि CBSE के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ICSE बोर्ड से पढ़ के आते हैं। तो ICSE बोर्ड का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और पूरे भारत में ICSE के 1087 स्कूल्स हैं। इसके बाद आता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में। यह ऐसे लोगों की हेल्प करता है जिनकी पढ़ाई छूट गई हो, पढ़ाई ना कर पा रहे हो, ओपन से 10वीं या ओपन से 12वीं वो दोबारा से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आप जानते हैं गेट JEE के एग्जाम करवाता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमारे पास आता है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन ग्रुप हैं, स्पेशली फॉर वेमेन, फॉर जो ओल्ड एज लोग हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीडियो में बहुत लिमिट होती है और बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जाती, तो हमें गागर में सागर भरना होता है। तो मेरा एक प्रयास है, अगर आपको लगे कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं 10-15 मिनट में, तो अपना प्यार कमेंट्स में सब्सक्राइबिंग थ्रू बताइएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपकी मोटिवेशन के कारण ही वापस आने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बोली हैं, पढ़ाई हैं और अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये सब आपके लिए अवेलेबल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ मैसेज करना है और बोलना है कि विनीत सर का हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो नोट्स हैं आप हमें दे दीजिए, वो आपको एज इट इज दे दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट टीचिंग मैथड्स इन इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास अलग अलग मैथड्स हैं? कि आपको पता है कि हम बहुत सारे मेथड्स कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारा ऑब्वियसली हमारा UK, US से कई चीजें हमने कॉपी की हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं स्कूल के अंदर, अगर आपका प्रिंसिपल मैं हूं और मुझे एजुकेशन मेथड्स आते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, तो आप क्या उस पर्टिकुलर मेथड का नाम ले सकते हैं, या आप सीधा बोलेंगे कि सर जी बोर्ड पे जाएंगे, लिखेंगे और पढ़ा देंगे? ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि विनीत विच मेथड विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस टू टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई सेड डायरेक्ट मेथड एंड दे वर हैप्पी।
मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, वो खुश हो गए कि डायरेक्ट मेथड इसने सही आंसर दिया है, लेकिन मुझे सही आंसर नहीं पता था। मैंने कहा सर जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाऊंगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड। बट यस, डायरेक्ट मेथड जो होता है स्टूडेंट टीचर का कम्युनिकेशन जो होता है फेस टू फेस होता है, बोर्ड होते हैं उसमें जो विजुअल एड है वो सब होता है, ऑडियो जो थिंग्स होती हैं, इन शॉर्ट जो हमने आज तक पढ़ा है उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो मैंने वो वैसे तुक्के में बोला, वो उनको मेरा सही जवाब लगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो सारी चीजें यहां डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आप गलत आंसर ना दें। तो आप यहां पे सबसे पहले तो ये पॉइंट्स नोट कीजिए जिन पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड TBLL टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड CALL कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। सो दोस्तों, ELT की बात हम क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, क्योंकि पूरे भारत के अंदर हर स्कूल का एक प्राथमिक जो टारगेट है या प्राथमिक जो एक एम होता है, प्राइमरी एम, वो है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाए। तो ELT जो है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये एक बेस है जहाँ पे वो लोग ग्रामर इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाने के साथ कुछ वर्ड्स रटवाए जाते हैं, पैरट, एप्पल, या डी फॉर डॉग, बी फॉर बैट, इस तरीके से। पर जैसे जैसे वो 6th-7th क्लास में आते हैं, वहाँ पे बेसिक ग्रामर जो है इज एम आर वाज वर्ड करके वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसे हम GTM भी बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। इसके अंदर एक सिंपल मेथड यूज किया जाता है जो डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। डायरेक्ट मेथड मतलब बच्चों को आप कुछ लाइनें दीजिए, उनको बोलने को करिए, उनको समझाइए, आप करके उनको दिखाइए। इसको हम इन किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है TBLL टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों यहां पे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि TBLL NS प्रभु जो कि बेंगलुरु के एक प्रोफेसर हैं, उनका डेवलप किया हुआ आइडिया है। TBLL का मतलब होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। आप स्टूडेंट को टास्क देते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं एक ऐसे लिख के आइए, स्टूडेंट को कहते हैं एक लेटर लिख के आइए, स्टूडेंट को कहते हैं पोइट्री सुनाइए, स्टूडेंट को कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ, मैं आपसे सवाल करूंगा। यानी कि आपने स्टूडेंट को अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आपने इसको शामिल किया। इसे कहते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। आपको याद है आपको बहुत सारे होमवर्क मिलते थे स्कूल में, ऐसे लिख के लाओ, पापा के ऊपर लिख के लाओ, बेस्ट फ्रेंड पे लिख के लाओ, अपने टूर पे लिख के लाओ, ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है। इसके बाद जो आती है चीज वो है CALL कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। CBSE स्कूल्स के अंदर इस वक्त कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग शुरू हो गई है, बहुत सारी वहाँ पे हेल्पिंग वेबसाइट्स हो गई हैं, आप सवाल डाल सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये कंप्यूटर मेथड या कंप्यूटर्स जो आजकल की एजुकेशन में आ रहे हैं उसके लिए अप्लाइड है। इसके बाद आता है CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर इंग्लिश के लिए अप्लाइड है। आपने कभी एक चीज नोट की है दोस्तों, जब आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन किया होगा, हालांकि मैंने कभी नहीं पढ़ा है CBSE स्कूल से, मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया है तो मैंने एक चीज जरूर देखी है। गाँव का बच्चा, एक साधारण बैकग्राउंड से गाँव का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेने के बाद उसकी कोई ब्रिज क्लास नहीं होती है। ब्रिज क्लास मतलब डेवलपमेंट क्लास। आपने फीस दी, ये भी सच है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक बार आप फीस दो, उसके बाद बस आप ट्यूशन जाओ। मैं तो स्टूडेंट्स का टीचर हूं, सच बोलता हूं कैमरे पे। आप गांव से हैं, 6th तक आपने गांव में पढ़ा, आपके पापा जमींदार हैं, पैसे अच्छे हैं, प्रेस्टिज इशू है, आपको उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिला दिया। अगले दिन जब आपने एक अच्छा बैग, अच्छी ड्रेस ले ली, आप जाएंगे, वहां प्रेयर हो रही होगी दोस्तों। प्रेयर कौन सी भाषा में होगी? इंग्लिश में। अरे आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, आप तो गांव से आए हैं, आप तो इंग्लिश सीखने आए हैं, तो आपको इंग्लिश में प्रेयर कैसे करवाई जा रही है? तो फिर मेरे जैसे बच्चे वो ऐसे मुंह करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या बोल रहा है। जब आप क्लास में जाते हो, यू वॉन्ट टू टॉक टू द टीचर से स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज CBSE स्कूल, I will charge 50 rupees. 50 रुपए फाइन है दोस्तों। मैं मेरे गांव के एक स्कूल को जानता हूं, 50 रुपए फाइन है अगर आपने हिंदी बोली। अब वो गांव का बच्चा कैसे बोले, उसको सिखाया तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो सवाल पूछना बंद कर देगा। धीरे 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 अगर उसे कोई अलग से सपोर्ट, ट्यूशन या ये सब नहीं मिला, या कोई सपोर्ट नहीं मिली फैमिली से या कुछ, तो वो बच्चा या तो टोटल फेलियर हो जाएगा,
या ऑब्वियसली अगर उसकी लर्निंग की हैबिट है, आदत है, आइडेंटिटी बनाने की आदत है, तो वो कुछ और करेगा। बट CLT जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसका मतलब ये है कि जो आपका टारगेट लैंग्वेज है उसी को आप उसी के अंदर पढ़ाओ। इंग्लिश ही सिखानी है, इंग्लिश में पढ़ाओ, जो कि भारत में बहुत जगह पे फेल है। ये कम्प्लीटली एक फेल्ड स्ट्रक्चर है, बट यस, CBSE स्कूल्स में यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, फ्लिप्ड क्लासरूम, फिर इसके बाद आता है किनेस्थेटिक लर्निंग, फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा या शायद आपको कभी किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर, जिसे MBTI कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर या फिश बाउल डिस्कशन। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो जैसे कि MBTI है या फिश बाउल डिस्कशन है, ये सारी चीजें आपको फर्दर वीडियोज में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के थ्रू मुझे कॉन्फिडेंस दीजिएगा कि येस आई कैन टीच यू पेपर वन, क्योंकि मैं जनरली इंग्लिश सब्जेक्ट से हटता नहीं। मैं पहली बार एक कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया है, तो आपकी सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग और लाइक्स और कमेंट्स यही मुझे मोटिवेट करेंगे कि यस, विनीत पांडे, कुछ बच्चे हैं जो सच में आपसे सीखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज तक ये चीज़ें किसी ने नहीं पढ़ाई हैं, तो एक दिल से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। So, अब दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पहली बात, कौन नहीं जानता इग्नू को, सब लोगों ने आपको इग्नू पढ़ा दिया होगा। 1985 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो एट प्रेजेंट चेयरमैन है VC नागेश्वर राव, वो बहुत ही स्कॉलर और बहुत ही लर्नड पर्सन है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इग्नू के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राउड है, कहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा इग्नू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता है। मैंने देखा है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इग्नू के स्टूडेंट्स को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई इग्नू अथॉरिटीज को देख रही है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छा है, आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, कुछ क्लासेस ज़्यादा बढ़ा दीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोग सीरियसली लें। तो इग्नू आपको ज़रूर पढ़ना है, सारी डिटेल देखनी है, प्लस इग्नू पे एक स्पेशल लेक्चर मैं आपको अलग से बना के दूंगा। सो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास वीडियो की लिमिट्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं आपको उसके लिए कह भी रहा हूँ कि मैं फर्दर लेक्चर्स में करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कई बार बच्चे सवाल भी करते हैं, इंडिया में टीचिंग की रैंक्स क्या है। पुलिस की रैंक सबको पता है कि कोई कांस्टेबल है, फिर वो हेड कांस्टेबल है, फिर वो ASI है, SI है, इंस्पेक्टर है, SHO है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही आपको आर्मी का पता होगा कि लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर जनरल, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टीचर्स की भी रैंक होती है? सोचा होगा, जरूर सोचा होगा। आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर, टीचर्स की जो रैंक है या टीचर्स का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है, किस तरीके से हम टीचर बनते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने इनिशियली ब्रिटेन को फॉलो किया था। ऑब्वियसली हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटेन से कॉपी की हैं। भारत में एक पहले सिस्टम था जो कि 2009 में चेंज कर दिया गया। वो सिस्टम ये था कि पहले लेक्चरर का पोस्ट होता था, फिर होता था सीनियर लेक्चरर। सीनियर लेक्चरर के बाद दोस्तों आती थी पोस्ट रीडर की। रीडर की पोस्ट के बाद दोस्तों पोस्ट आती थी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। ये 6 अलग अलग लेवल होते थे, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। सो आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रोफेसर हूँ। कई बार हमें भी, मुझे भी लोग ऐसे बोलते हैं प्रोफेसर विनीत पांडे, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर नहीं हूं। प्रोफेसर बोलना अलग बात है, बातचीत में हम किसी को भी प्रोफेसर बोल देते हैं, बट एक्चुअली प्रोफेसर होना 30-40 इयर्स का एक्सपीरियंस, कम से कम 8-10 किताबें, 20-25 पेपर, आपके कम से कम 100+ आपके PhD कैंडिडेट स्टूडेंट्स हो, ये सारी क्राइटेरिया होते हैं, तब एक आदमी रियल प्रोफेसर बनता है। और दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी बताऊंगा। और ये याद रखना कि 2009 के बाद से हमने अमेरिका का सिस्टम कॉपी किया है, US का सिस्टम। सो असिस्टेंट प्रोफेसर,
एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। 2009 के बाद से कोई रीडर की पोस्ट नहीं है, सीनियर लेक्चर की पोस्ट नहीं है, लेक्चर की पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको याद करना। अब हम बात करते हैं सैलरी की। सेवेंथ पे कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर को लगभग 1,01,000 रुपए के आसपास का जो फंड है वो आता है। एसोसिएट प्रोफेसर लगभग 1,29,600 रुपए के आसपास आता है। और जो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं उनको लगभग 1,69,700 के आसपास का फंड आता है। इसमें टीए डीए एचआर मैंने नहीं जोड़ा है, ये सब जोड़ के अब करेंगे तो लगभग 2-2 लाख क्रॉस हो जाता है। बट यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेवन्थ पे कमीशन का पे स्टैंडर्ड है। ये आपको एक इंस्पिरेशन दे सकता है, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई करते ही बन गए तो 1,01,000 रुपये प्लस टीए डीए एचआर एवरीथिंग ये आपके पास आएगा। आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे से लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज का उद्धार कर सकते हैं और हाँ, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल चैनल्स एंड प्रोग्राम्स बाय इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं प्रभा, 34 चैनल्स ऑफ DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस के थ्रू आपको पढ़ाए जाते हैं। आपसे एक सिंपल सा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रभा जिसमें 34 चैनल हैं जो आपको पढ़ाने के लिए हैं, वो किस भारतीय सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं या वहां से संचारित किए जाते हैं। इसका जवाब है दोस्तों GSAT-15। GSAT-15 के कारण स्वयं प्रभा आपको 34 चैनल्स देता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैनल है वो है एकलव्य। एकलव्य एक एजुकेशनल चैनल है जो UGC और इग्नू ने मिलकर स्टार्ट किया था। इसके अंदर भी आपको साइंटिफिक नॉलेज, बेसिक लर्निंग नॉलेज, हायर एजुकेशन की नॉलेज आपको घर बैठे दी जाती है। फिर आपके पास आता है DD ज्ञान दर्शन। जब मैं बचपन में छोटा था तो ज्ञान दर्शन जो UGC का प्रोग्राम था वो सुबह 5 बजे आता था, तो मुझे लगता था कि सुबह 5 बजे ये लोग क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे कुछ नहीं सीखा, मैंने उससे सीखा था। एक साइकेट्रिस्ट थे प्रोफेसर, वो लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी जो मैंने सीख रखी है। आप किसी की भी पर्सनैलिटी बता सकते हैं सिग्नेचर देख के और हाथ मिलाने का तरीका देख के। और ये दोनों चीज़ें जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई या सिखाई तो वो लोग बहुत खुश हुए। सो ज्ञान दर्शन से तो मैंने बचपन में सीखना शुरू कर दिया था। दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल आपने बचपन देखा हो, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे उसमें, उमंग बच्चों के लिए, कार्टून्स। सो ऐसे मल्टीपल चैनल्स हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है चैनल्स की जो मैं आपको आने वाले समय में वीडियोज़ के थ्रू देता रहूँगा। तो दोस्तों ये मेरा सारा एक एफर्ट था आपके लिए, मैंने अपने नोट्स उनको उठाया, उन चीज़ों को दोबारा से रीड किया, चेक किया लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें आपके लिए नोट की और कोशिश की कि मैं आपके लिए पेपर वन का एक अच्छा इफेक्टिव वीडियो बना सकूं। दोस्तों जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको एक मिनट में अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। डिग्री तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जी हां दोस्तों, एक वक्त मैं भी ये सोचता था कि नेट कैसे होगा, नेट कैसे हो सकता है, नेट करने वाले कौन लोग होते हैं। और दोस्तों आज मैं नेट पढ़ाता हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रखनी दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप मेहनत कीजिए क्योंकि आपके मम्मी पापा के सपने आप पूरे करने वाले। DGRF इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक वक्त सोचता था, एक वक्त मुझे लगता था कि अरे नेट ही नहीं हो रहा, JRF तो हमारा लेवल ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे JRF करते हैं, JNU के, जामिया के, BHU के बच्चे करते हैं। मैं तो गांव से हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ाऊं, सरकारी कॉलेज से पढ़ाऊं और इंग्लिश बोलनी भी मैंने नेट क्वालिफाई करने के बाद शुरू की। लेकिन दोस्तों वो सारी चीजें समझने के बाद मुझे एक चीज और पता थी, और वो जानते क्या थी, कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इस गरीबी के दलदल से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो मैंने अपनी पहली जो पढ़ाई, जिसे मैं अपनी लड़ाई कहता हूं, अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो देखेंगे जहां मैंने अपने बारे में बताया है, मेरी ऑटोबायोग्राफिकल वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पर लिंक भी मिल जाए, आप मेरी ऑटोबायोग्राफी जरूर देखिएगा। मेरी पहली पढ़ाई को मैं हमेशा पहली लड़ाई कहता हूं। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार जस्ट गिव योर बेस्ट, क्योंकि मेरे पापा मुझे एक चीज सिखाते थे, उस पथ पर पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल हो। जय हिंद दोस्तों।